मन से सहकार सेना ने एपीएमसी में संचालित कुलस्वामिनी सहकारी पतपेढ़ी में चल रही कथित धांधली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहकार सेना के उपाध्यक्ष बालासाहेब शिंदे ने थाने जिले के उपनिबंधक को शिकायत देकर पतपेढ़ी संचालकों के साथ ही लेखा परीक्षक के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। 1.5 लाख सभासदों वाले इस कोऑपरेटिव बैंक पर करोड़ों की धांधली का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र नव निर्माण सहकार सेना उपाध्यक्ष बालासाहेब शिंदे ने कुलस्वामिनी सहकारी बैंक में चल रही धांधली के खिलाफ पारदर्शी तरीके से जांच और कार्रवाई पूर्ण करने की मांग की है। मनसे नेता ने आज थाने जिले के उपनिबंधक विशाल जाधव को निवेदन देने के बाद बताया कि 1.5 लाख सभासदों वाले कुलस्वामिनी सहकारी पतपेढ़ी में नए कार्यालय और जमीन खरीदने के मामले में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके संदर्भ में पुणे के सहकार आयुक्त ने जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि जिस तरह की जांच और कार्रवाई चल रही है वो बेहद मंद है। बालासाहेब शिंदे ने कहा कि यह लाखों उपभोक्ताओं के निवेश और उनके हित का मामला है, इसलिए इस मामले की जांच पारदर्शी तरीके से होनी जरूरी है, वरना सभासद बर्बाद हो जाएंगे। महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी पतसंस्था कुलस्वामिनी पतपेढी, या पतपेढीमध्ये बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचं निदर्शनास आलेलं आहे आणि त्याचे आदेश पुण्याचे सहकार अपर आयुक्त यांनी निर्देश दिलेले आहेत आणि त्या पतपेढीच्या चौकशीकामी सन्माननीय जाधववर यांना नियुक्त केलेलं आहे। तर आम्ही त्यांच्याकडे आज त्या बाबतीत निवेदन देऊन या तपासामध्ये या चौकशीमध्ये आपणाकडून पारदर्शकता यावी। साधारण 1.5 लाख सभासद, 38 वर्ष जुनी शाखा आहे आणि एकूण 33 शाखा संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहेत। करोडो रुपयाची वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या या पतसंस्थेमध्ये आमच्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांचे सभासदांचे पैसे अडकलेले आहेत आणि या ठिकाणी पारदर्शकता यावी, कुठेही पतपेढीला नाव खराब होऊ नये आणि कुठेही नुकसान होऊ नये अशाप्रमाणे तपास व्हा, म्हणून आम्ही आज सन्माननीय जाधववर यांच्याकडे प्रत्यक्ष भेटून त्यांना त्या प्रकरणी पारदर्शकतेप्रमाणे संबंधित पतपेढीचा चौकशी करून योग्य तो निर्णय द्यावा आणि लवकरात लवकर दोषी असणारे संचालक मंडळ आणि लेखा अधिकारी जे काय तो त्यात सामील असेल यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी असं आम्ही निवेदन दिलं। इस संदर्भ में कुलस्वामिनी कोऑपरेटिव बैंक से संपर्क करने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ऐसे में इस मामले का दूसरा पहलू क्या है, इसकी जानकारी मिलने पर हम दोबारा न्यूज अपडेट करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी ऑन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।